ओम अज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आगे नारद जी बताते हैं इस कहानी में कि यावन राजा के जो सारे सैनिक थे काल कन्या के साथ में और उनके जितने भी गंधर्व सैनिक यावन सैनिक थे सब मिलकर के नौ द्वारों से इस राजा पुरंजन के शहर में इसके अंदर में घुस गए। घुसने के बाद में हमने देखा है जब दुश्मन के लोग किसी शहर में घुस जाते हैं तो सब जगह भगदड़ मचा देते हैं, आक्रमण करते हैं, लोगों को मार गिराते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं। तो इसी प्रकार से काल कन्या और यावन राजा के सैनिकों ने मिल करके राजा पुरंजन के शहर को पूर्ण रूप से लूट लिया, तबाही मचा दी। और उसके साथ में हमें यह भी पता है कि और एक जो बड़ा व्यक्ति उसके साथ में आया था, यावन राजा के साथ में काल कन्या तो थी, उसके सैनिक भी थे, उसका भाई भी था प्रज्वरा। तो प्रज्वरा जैसे हमें नाम से ज्ञात होता है, ज्वरा, ज्वरा का मतलब होता है एक प्रकार से हमारा शरीर गर्म हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तो प्रज्वरा ने क्या किया, सारे पुरंजन के शहर में आग लगा दी। तो आप सोच सकते हैं पहले तो सारे यावन के राजाओं ने मिलकर के लूट लिया, आक्रमण किया और उसके बाद में सारे शहर में आग लगा दी तो लोगों की परिस्थिति क्या होगी, जो वहाँ के नागरिक हैं वो कितने पीड़ित होंगे हम केवल सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से उसने सारे के सारे शहर के अंदर में नगर में आग लगा दी। तो इस आग में जो राजा पुरंजन के जो सगे संबंधी थे, उसके बेटे थे, उसके पोते थे, उसके अनेकों सगे संबंधी थे, वो सब पीड़ित हो गए, सब जलने लगे इस अग्नि के अंदर में। ये देख करके राजा पुरंजन और ज़्यादा चिंतित हो गया। वो देख रहा है अपनी आँखों के सामने कि मेरे जितने भी संतानें थी, मेरे पोते थे, सब धीरे धीरे अग्नि में जल रहे हैं। और उस समय में उसके नगर के अंदर में जो नगर का पालक था, जो नगर का बचाव करता था, वो भी एक सर्प था। तो वो जो नगर का, जैसे हम लोग देखते हैं ना हमारे शहर के अंदर में जब कोई अटैक करता है तो पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन मान लो अगर सारे नगर में आप आग लगा दो, जब आग नहीं है और जब दुश्मन के लोगों ने धावा नहीं बोला है, आक्रमण नहीं किया है हमारे शहर के ऊपर, तब पुलिस हमारी रक्षा कर सकती है। लेकिन जब दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है, सब जगह से आग लगा दी है, तो पुलिस अपना बचाव भी नहीं कर सकती है, वो दूसरे लोगों को क्या बचाएगी।
तो ये जो पुलिस का सुपरिटेंडेंट था, जो नगर पालक था, ये भी जो है उस अग्नि के कारण जलने लगा। अब ये दूसरे लोगों की रक्षा कहाँ से करेगा? वो देख रहा है कि मेरा घर भी जल रहा है, इस नगर पालक का घर भी जो है जलने में लगा है, तो वो भी बड़ा भयभीत हो गया। और वो देख रहा है, क्योंकि इसको भी जो है यहाँ पर बताया गया है कि इस नगर में ये जो नगरपाल था, ये एक सर्प के रूप में था। तो सर्प के रूप में हमें पता है, अगर चारों तरफ से अग्नि जला दें, बाकी जानवर तो भाग सकते हैं, सांप के लिए बहुत मुश्किल होता है भागना। अगर आप आग जला दें चारों तरफ से, सांप को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये उदाहरण दिया गया है, नारद जी कहते हैं जिस प्रकार से पेड़ के आपने देखा होगा कि पेड़ के अंदर में कई बार सांप छुपा रहता है, उसके होल के अंदर में, उसमें जो छिद्र होता है उसमें सांप छिपा रहता है। और अगर आप पेड़ को आग लगा दो तो सांप को बड़ी मुसीबत हो जाती है कि वो अपना बचाव कैसे करे। तो ये इसकी परिस्थिति थी। तो अब क्या हुआ इसके बाद में, यावन राजा के सैनिकों ने अब राजा पुरंजन को घेर लिया, शहर से बाहर निकाल दिया। पहले तो शहर से बाहर निकाल दिया, अब बाहर निकालने के बाद में उसको जो है रस्सियों से बांध दिया, और राजा पुरंजन को घसीट करके ले करके जा रहे हैं। तो जब राजा पुरंजन को घसीट करके ले करके जा रहे हैं, इसके साथ साथ में अपने मालिक, अपने स्वामी के पीछे ये जो सर्प था, ये सांप भी अब उसके पीछे पीछे जा रहा है। और सांप के साथ साथ में जो भी इसके रखवाले थे, इस नगर के बाकी जो भी रखवाले थे, ये रखवाले भी साथ साथ जो हैं इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और उस समय में जब इस प्रकार से यावन राजा के सैनिक पुरंजन को खींच करके लेकर के जा रहे हैं, वो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ है कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे अब जा कर के जो है मारा जाएगा, लेकिन ये सारे सैनिक ने, इन्होंने मुझे जो है बंदी बना लिया है, मुझे लेकर के जा रहे हैं मेरे शहर से, अब मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और खासकर वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है कि किस प्रकार से उसकी पत्नी जो है अनेकों प्रकार से उसकी सुरक्षा में लगी रहती थी। जब भी उसका जो है, अगर उसका कुछ विचार गलत होता था तो उसकी पत्नी जो है उसे सही दिशा दिखाती थी। और कितनी उसकी पत्नी जो है बहुत चेष्ट थी, पतिव्रता थी। जब राजा पुरंजन भोजन करता रहता था, उसकी पत्नी कुछ नहीं खाती थी। जब राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भोजन कर लेता था, उसके बाद में ही उसकी पत्नी भोजन खाती थी। जब राजा पुरंजन, जब तक उसने स्नान नहीं किया, उसकी पत्नी स्नान नहीं करती थी, उसके बाद में ही वो स्नान करती थी। तो राजा पुरंजन सोच रहा है कि मेरी पत्नी का अब क्या होगा, मेरे इतने सारे जो बच्चे हैं अब बेघर हो गए हैं पूर्ण रूप से, अब इन सब का क्या होगा, मेरी पत्नी जो है इनकी रखवाली पूरे गृहस्थ जीवन को कैसे चलाएगी। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से वो अपने पत्नी के विचारों में डूबा हुआ है, खोया हुआ है। तो नारद जी जो है आगे इसका अर्थ, बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ समझाते हैं। तो वो बताते हैं कि ये तो हमें पता है कि राजा पुरंजन जो है कौन है, इस शरीर के अंदर में आत्मा, वही जो जीव है वही राजा पुरंजन है। और यहाँ पर उन्होंने बताया था ना कि यावन राजा के सारे सैनिकों ने मिलकर के आक्रमण कर दिया। तो ये तो हमने इसके बारे में पहले भी समझा था कि ये यावन राजा कौन है, भय है, फियर, डर जिसे कहते हैं। और वो कब आता है, जरा के साथ में, काल कन्या के साथ में आता है।
तो जब ओल्ड एज आती है, बुढ़ापा आता है, तो हमारे मन के अंदर में घबराहट आ जाती है, डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारा मरना बहुत जल्द है, निश्चित है। तो ये तो हमें पता है, और उसके सैनिक कौन हैं ये भी हमने, इसके बारे में भी विचार किया था। नारद जी बताते हैं, ये जो यावन राजा के कालकन्या के जो सैनिक हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियाँ, तो ये सब शरीर के ऊपर अटैक कर देती हैं जब बुढ़ापा आता है। तो ये तो हमने समझा था। अब जो अब आगे जो नारद मुनि जी ने जो बताया कि उसके साथ में प्रज्वरा भी आया, उसका भाई जो था यावन राजा का भाई कौन था, प्रज्वरा। तो प्रज्वरा का मतलब जो है, जिसे विष्णु ज्वरा भी कहते हैं, वो ऐसा ज्वर होता है, ऐसा फीवर होता है जो व्यक्ति को मृत्यु के समय में आता है। हमें पता है कि शरीर का तापमान 99 होता है, नॉर्मल 100 हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि इसको थोड़ा बुखार है, हल्का सा बुखार है। 101 होता है, 102, 103, 104, उतने तक व्यक्ति सहन कर सकता है। उससे ऊपर ये जो विष्णु ज्वरा या प्रज्वरा जिसे कहते हैं, ये 107 का टेम्परेचर है, जिसे शरीर सहन नहीं कर सकता है। तो ये बताया था ना कि प्रज्वरा ने क्या किया था, प्रज्वरा ने सारे शहर को आग लगा दी। मतलब जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो राजा पुरंजन ने देखा कि उसके जितने भी उसकी संतान थी, उसके पोते, उसकी पोती, उसके बच्चे, वो सब जो हैं चारों तरफ से अग्नि से घिर गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो बताते हैं। यहाँ पर जो संतान बताई गई है, ये शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो राजा पुरंजन मतलब जीव देखता है, मृत्यु के समय में वो देख सकता है कि उसका हार्ट फेल हो रहा है, उसकी किडनी फेल हो रही है, वो काम नहीं कर रही है। और जब ज्वर बढ़ जाता है शरीर का, जब मृत्यु नज़दीक होती है, तो कोई भी शरीर का अलग अलग जो भी जितने भी अंग हैं, सब धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं। ये देख करके राजा पुरंजन बहुत चिंतित हो गया। इसी प्रकार से जीव बड़ा चिंतित हो जाता है कि अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ, और बहुत मुश्किल होता है, कोई भी शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। ये सारे सैनिकों ने उसको अपने नगर से बाहर निकाल दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो निकलना नहीं चाहता है, कोई जीव शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। आप देख लीजिए, ब्रह्मा से लेकर के इंद्र से लेकर के यहाँ तक कि अगर एक शूकर है, सुअर, जो एक प्रकार का गंदा जीवन जीता है, उसको भी अगर तुम कहोगे कि भाई ये क्या गंदा जीवन जी रहा है, इस शरीर से बाहर निकल जाओ, दूसरा बढ़िया शरीर प्रदान करूँगा, वो भी तैयार नहीं होगा, वो भी रोएगा कि भाई मैं भी इस शरीर से, अगर आप सुअर की गर्दन काटोगे कि भाई ये शरीर बेकार है, इसके अंदर में तू मल खाता है, गंदगी में सोता है, मैं तेरे प्राण ले लेता हूँ, दूसरा जीवन तुझे प्रदान करूँगा, वो भी नहीं मानेगा। इसी प्रकार से बताया जाता है कि अगर मल के अंदर में कीड़ा होता है, आप मल में से कीड़ा थोड़ा दूर फेंक दीजिए, थोड़ी देर के बाद में दोबारा मल में वापस आ जाएगा। सब अपने अपने शरीर से बहुत आसक्त हैं, क्योंकि हम काफ़ी समय तक इस शरीर में रहते हैं, इससे इतने आसक्त हो जाते हैं कि मृत्यु के समय में हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, राजा पुरंजन की तरह छोड़ना नहीं चाहते हैं। और बाद में हम लोग विचार करते हैं राजा पुरंजन की भांति, अपने जीवन के बारे में, अपने पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, मतलब भौतिक विषयों मात्र के बारे में हम लोग भी जो है चिंतन करते रहते हैं, अंत समय तक भी। अंत समय में अगर हम भौतिक विषयों के ऊपर मात्र चिंतन करेंगे, तो हमें उसी प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी। इसीलिए अगर हम बचपन से, या जब भी हमको अकल आती है, अगर हमको बुढ़ापे में भी पता चलता है कि भाई हमें कृष्णा भावनामृत बनना चाहिए, तो जैसा हमने देखा था कि किसी भी अवस्था में व्यक्ति जो है
अगर भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान बड़े दयालु हैं। तो हमने काफ़ी उदाहरण देखे हैं, धृतराष्ट्र जो है बुढ़ापे में भी विदुर महात्मा की उनके संग के कारण धृतराष्ट्र अपने वृद्धावस्था में भी इस भौतिक संसार से मुक्त हो सका। तो कोई बात नहीं है कि अगर हमें जो है अब जाकर के पता चला है कि भाई मानव जीवन का महत्व क्या होता है, तो कम से कम अब अगर हम निष्ठा के साथ में सीरियसली भगवान की भक्ति को ले लेते हैं, तो मृत्यु के समय में, शरीर को छोड़ने के समय में हम भगवान को याद कर पाएंगे, भौतिक विषय की जगह में भगवान को याद कर पाएंगे। तब क्या होगा, हम भगवत धाम में प्रवेश करेंगे, दोबारा संसार में अनेकों प्रकार के जीवन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं, ये तो चिंतन में डूबा है अपनी फैमिली के, अपनी पत्नी के बारे में, और इसके कारण क्या हुआ, ये जो सर्प था ना, ये भी हमने बताया था, नारद जी आगे बताते हैं, ये जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था ये कौन था, ये इसके बारे में बताया जाता है कि ये हमारा जो एक तो स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, ये सूक्ष्म शरीर था। तो आपने देखा होगा वैदिक सभ्यता के अनुसार क्या होता है, ये शरीर को जला दिया जाता है, तो ये शरीर तो जल जाएगा लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं जलता है, वो नहीं मरता है। तो राजा पुरंजन को जब शरीर से बाहर निकाला गया, मतलब आत्मा को जब बाहर निकाला जाता है, तो उसके साथ साथ में वो सांप भी साथ में गया। वो जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था अपने मालिक को देख करके कि मेरा मालिक जो है इसको पकड़ करके लेकर के जा रहे, तो वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। यानी कि सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ साथ में जाता है, और बाकी जो रखवाले थे शरीर के वो भी साथ साथ में गए थे। वो कौन है, वो है शरीर के प्राण, शरीर की जो इंद्रियां हैं, आंखें तो यहीं पे रह जाएंगी लेकिन जो इंद्रियां हैं वो निकल जाती हैं, कान यहीं पे रह जाएंगे, ये स्थूल कान रह जाएंगे लेकिन सुनने की शक्ति नहीं रहेगी, तो इंद्रियां हैं वो भी निकल जाती हैं। मतलब क्या है, आत्मा के साथ साथ में सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और जितने भी जो इंद्रियां हैं वो सब साथ साथ में जाती हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर आगे बताया गया है कि अब आगे जाकर के राजा पुरंजन कौन सा जन्म लेगा, इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।